लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और गुजरात के मेहसाणा या जामनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक मेहसाणा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मेहसाणा में उनके प्रवेश पर पाबंदी होने की वजह से वो जामनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को राफेल डील से जुड़े अहम दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने की जानकारी दी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। सरकार की तरफ से यह जानकारी द हिंदू अखबार की रिपोर्ट पर दी गई, जिसमें चोरी हुए राफेल डील के दस्तावेजों की कॉपी और उनमें लिखी अहम जानकारी का जिक्र है। जिसके बाद लंबे समय से राफेल डील में घोटाले का आरोप लगा रही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार ने किस प्रकार से खजाने को चूना लगाया, उसको सामने रखा, उनको तो जेल भेजना चाहते हैं और चोरों को संरक्षण देना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है मोदी जी कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा आप दिया करते थे, खाऊंगा खिलाऊंगा और चोरों को बचाऊंगा, वो अब उसमें बदल गया। सवाल इसलिए उठे क्योंकि अब तक तो सरकार राफेल विमान सौदे के दस्तावेजों को सीक्रेट बताकर अपना बचाव कर रही थी, लेकिन जब दस्तावेजों की चोरी की बात सामने आई तो सियासी बवाल बढ़ गया। उसके फाइल्स अगर गुम होते हैं तो इसका ये मामला तो सही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए छुपाई जाती कोई बात। कांग्रेस ने राफेल डील में घोटाले की बात दोहराई तो दूसरी पार्टियों ने राफेल डील की पूरी दाल को ही काला बता डाला। एक तरफ सरकार दुनिया को ये बता रही है, देश को ये बता रही है कि ये बारे में कुछ भी मालूम देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए धोखादायक हो सकता है, और कहते हैं कि चोरी हो गई और वो भी सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील के दस्तावेज चोरी होने की दलील देकर सरकार खुद गिरती दिख रही है, क्योंकि पिछले एक महीने से द हिंदू अखबार में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खबरें छप रही। कोर्ट में भी द हिंदू की रिपोर्ट की गूंज सुनाई थी और ये बात तब खुली जब प्रशांत भूषण का जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि राफेल डील से जुड़े दस्तावेज चोरी हो गए। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि द हिंदू अखबार की रिपोर्ट को आधार माना जाए क्योंकि रिपोर्ट में राफेल विमान सौदे की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज, जिस पर के वेणुगोपाल ने विरोध जताते हुए दलील दी कि प्रशांत भूषण जिन दस्तावेजों का जिक्र कर रहे हैं वो रक्षा मंत्रालय से चोरी हो चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल पूछा कि दस्तावेजों की चोरी के मामले में सरकार की जांच कहां तक पहुंची, जिस पर कोर्ट में लंबी बहस भी चली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए दस्तावेजों के मामले में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए। इस पर सरकार की तरफ से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए दस्तावेजों की जांच चल रही है, हालांकि सरकार ने मामले में FIR दर्ज होने से इनकार किया। सरकार ने राफेल डील के चोरी दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए द हिंदू अखबार के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और इसे गोपनीयता कानून का भी उल्लंघन बताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज चोरी के हों तो भी उन्हें सबूत मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उनका मौजूद होना जरूरी है, जिसके बाद दलील दी गई कि राफेल डील पर कोर्ट का फैसला सरकार को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें कोर्ट को बचना चाहिए जिससे, और सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर दस्तावेजों का राफेल डील से कोई कनेक्शन होगा तो वो इन्हें आधार मानेंगे। यानी राफेल सौदे पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हालांकि राफेल डील पर द हिंदू अखबार की एक और रिपोर्ट ने सरकार को पहले ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोदी सरकार की राफेल डील पहले की यूपीए सरकार की प्रस्तावित डील से महंगी रही, जिस पर कांग्रेस ने पीएम को निशाने पर लेते हुए राफेल विमान सौदे में एक बार फिर घोटाले का आरोप लगा दिया। राफेल जहाज खरीदने की बैंक गारंटी हटा, चौकीदार ने देश को लूट लिया। राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बैंक गारंटी की शर्त को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी सरकार को घेरते हुए राफेल मामले में FIR दर्ज करने की मांग की। हम लोग मांग कर रहे थे कि राफेल की जांच संसदीय संयुक्त संसदीय समिति से हो, जिसके से मोदी जी घबरा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। पार्लियामेंट की समिति को बहुत अधिकार होता है और मोदी जी को भी राफेल की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने के लिए तैयार होना चाहिए था। इससे पहले CAG की रिपोर्ट में मोदी सरकार की राफेल डील को सस्ता बताया गया था, लेकिन द हिंदू अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि राफेल विमान सौदे में सरकार की तरफ से फ्रांस की कंपनी को बैंक गारंटी में छूट दी गई, जिससे राफेल सौदे की कीमत और बढ़ गई। रिपोर्ट में दावा है कि सौदे के लिए बातचीत करने वाली 7 सदस्यों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बैंक गारंटी में छूट देने से राफेल सौदे की कीमत बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने भी राफेल डील से पहले बैंक गारंटी को जरूरी बताया था, लेकिन सरकार ने बैंक गारंटी को दरकिनार कर दिया। इस फैसले से 36 राफेल विमान सौदे की कीमत 4,000 करोड़ रुपए बढ़ गई।